तो चलिए यहाँ पे ना क्या आप भी परेशान हैं, कचरा गर्मी जैसे ही आता है ना, जो भी बायो का चाहे कोई भी कचरा रखे इतना स्मेल करता है ना, क्या आप भी परेशान हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? इसे हम तो छुटकारा पा लिए, सोचे आपको भी बता देते हैं, आप भी छुटकारा पा लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ना ये जो कचरा है ना ये बायो का है, यहाँ पे देख सकते हैं बिन ब्रेड ये जो है ना ये पाउडर है, और इसको आप डाल दीजिएगा ना, थोड़ा भी स्मेल नहीं करेगा। ये देख रहे हैं पाउडर जैसे पूरा छीट दीजिए, ये जो पानी निकलता है ना कचरे का उस सबको एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम स्मेल नहीं करेगा। जैसे ही गर्मी सीजन शुरू होगा ना इतना सारा ना बदबू देने लगता है ना डस्टबिन से कि मत पूछिए। और यहाँ पे ये टिश्यू डाल देंगे और साथ में आप बायो का प्लास्टिक लगा देंगे, अब बिल्कुल ही स्मेल नहीं करेगा। साथ साथ हम जैसे ये बायो का किए ना वैसे ही रेस्ट मूल का किए हुए हैं। रेस्ट मूल मतलब होता है कि मिलीजुली सरकार, जो कचरा ना समझ में आए ना जर्मनी में तो बायो में डाल दीजिए, रेस्ट मूल में डाल देना। यहाँ पे ये देखो, और इधर वाला जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ना वो वेरेस्ट टॉप का, तो ये देख रहे हैं सब में हम ऐसे ही करके डाल दिया। बाहर में जो मैं हम लोग को मिला हुआ बड़ा वाला डब्बा उसमें भी हम डाल दिए हैं, इसे क्या होता है ना स्मेल नहीं करता, नहीं तो गर्मी में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा ही बदबू देता है। आप कचरा का डब्बा घर में भाई खाना एक दिन में आपको पूरा फेंकना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारे टेरेस के आगे ये देख रहे हैं वाइट वाइट पूरा, ये कितना गंदा हो रखा है, इसको क्लीन करना बाबा बहुत टफ काम है। और इसमें देख रहे हैं छोटा छोटा लाइनिंग है, इसमें इतना गंदा जाके बैठ जाता है ना कि इसको क्लीन करना आप देख सकते हो कि कितना अभी गंदा लग रहा है। और यहाँ पे लिक्विड लिए हैं, और ये लिक्विड जो है ना डिशवाशर स्टील का जो होता है ना सामान उसको साफ़ करने के लिए आता है, उससे ये परफेक्ट क्लीन होता है। आपको बस लेना है ये स्पंज रगड़ने वाला, वो जो होता है ना बॉटल साफ करने वाला, वो लेना है आपको, साथ में टिश्यू ले लीजिए और लिक्विड से पूरा इसको ना मतलब जैसे स्क्रब नहीं करते हैं एकदम एक एक लेयर को ना आपको घिसना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, आप चाह रहे हो कि आपका घर सुंदर दिखे, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं क्लीन होता है। और ये देख रहे हैं हेजी हेजी दिख रहा है ना, क्योंकि ये पूरा लाइनिंग लाइनिंग है एकदम, तो इसको रगड़ने में भाई टाइम लगता है उसको। यहाँ पे ये देखो पूरा क्लीन कर चुके हैं आप, इसको करना है पूरा पोछना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो खाचा खाचा बना है ना उसमें जो चला जाता है ना वो क्लीन करना बहुत टफ का काम है, उसको निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये देखो बहुत हद तक क्या बहुत क्लीन हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ये देखिए एक लुक देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा क्लीन हो गया। तो अगर आप भी ऐसा कोई खाचा का सामान है ना तो ये जो बॉटल धोने वाला जो जाली आता है उससे कर सकते। कैसा लगा आज का ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में।